दबाव में रख रखा इन्होंने हमें, डरा धमका रखा, हमें दहशत है इस तरह की। हम इसलिए यहाँ से मकान बेचने की ठान रखी हमने और यहाँ से हम मकान छोड़ने के चले। आप विनोद प्रधान और उनका जो ग्रोह, उनके जो लोग हैं, उनके 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 डर से अपना मकान बेच के जाओगे यहाँ से? बेचने की प्लानिंग है हमारी यहाँ से, और यही कारण है जो ये बसपा की आड़ में, उनकी दादागिरी चल रही है और बसपा के जो इनके अपने हैं उसकी आड़ में खूब इन्होंने अवैध रूप से अगुवाई कर रखी है। बचा लो नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं आज गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, मुरादनगर कस्बा है, वहाँ पर आया हूँ। कई दिनों से खबर बड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी अखबारों में कि बहुजन समाज पार्टी के जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं, बसपा के बड़े नेता हैं पश्चिमी यूपी के, विनोद कुमार जाटव, जिनकी घरवाली रजनी जाटव जो शायद जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। और आरोप ये है कि उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मारपीट की और आरोप है और 5-6 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है। मामला पूरा ये बताया जा रहा है जो सुर्खियों में है कि 31 तारीख की रात को नए साल को मनाने का जश्न जो है वो मुरादनगर के इस ITS काइट कॉलेज असालत नगर मुरादनगर में ये एक जगह है। और यहाँ देखेंगे कि मेरे पीछे जितने हैं ये सब हॉस्टल है, कोई गर्ल्स हॉस्टल है, कोई बॉयज़ हॉस्टल है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों ने अपनी अपनी जगहों पर हॉस्टल बना करके छोड़ रखे, कहीं 20 बच्चे, कहीं 30 बच्चे, कहीं 50 बच्चे, तमाम यहाँ पर बच्चे रहते हैं। ये बड़ा इससे पीछे वाला जो हॉस्टल है ये विनोद जाटव जो है उनका बताया जा रहा है। और इन्होंने अपने इस हॉस्टल पर, ये जो गली आपको दिख रही है जो लगभग 12-13 फुट चौड़ी है, यहाँ पर इन्होंने 31 तारीख का जश्न मनाने के लिए विनोद जाटव और उनके साथियों ने यहाँ पर टेंट लगाया था। ये मकान जो आप देख रहे हैं शिव कुमार जी का मकान है। शिव कुमार जी ने कहा 31 तारीख को जब यह टेंट लग रहा था कि आप जो है वो यहाँ पर टेंट के लगा रहे हो लेकिन निकलने के लिए रास्ता जो है वो छोड़ दीजिए, जो बताया गया है। उसी बात में दोनों तरफ से झड़प हुई, हाथापाई हुई, और हाथापाई में विनोद के ऊपर ये आरोप है कि विनोद जो बसपा के नेता, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, उन पर ये आरोप है कि उन्हें और उनके तमाम साथी जो हॉस्टल में रहते थे, जो उनके किराएदार वगैरह तमाम लोगों ने, जो उनके कर्मचारी थे, उन्होंने हल्ला बोल दिया एक तरीके से और 2-3 लोगों को गंभीर चोट आई है और रीढ़ की हड्डी में जो है वो फ्रैक्चर भी बताया जा रहा है। तो अब हम अंदर चलेंगे और मालूम करने की कोशिश करेंगे जो पीड़ित पक्ष है उसका क्या कहना है इस पूरे मामले में, विनोद कुमार जाटव के वास्तव में इसमें पूरे मामले में दोषी है या कुछ उनको फंसाने की प्रयास किया जा रहा है, या जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कहना है। अखबारों की सुर्खियाँ वो कह रही हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, क्योंकि अंदर जो है उस उनके परिवार के पास हुआ और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन पूरा मामला जो था वो क्या हुआ था। क्या नाम है आपका, नाम बताइए थोड़ा सा। शिव कुमार जी, क्या हुआ था पूरा मामला, क्या था मामला? 31 तारीख थी, इन्होंने रास्ते में टेंट लगाए हुए थे और धारा 144 लगी हुई थी, इन्होंने उसका भी अपना पालन नहीं करा, खूब डीजे बजा रखा था। और मैंने देखा कि रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है, मैंने रास्ते को ही कहा था कि थोड़ा रास्ता छोड़ देते हम घर जाने लायक अंदर, तो इतना ही कहा था कि अंदर से वो विनोद प्रधान अपने आप को बताते हैं और जो जिला पंचायत भी हैं, इनकी घरवाली जिला पंचायत रही हैं, जिला पंचायत रही हैं और इनका भूतपूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं, तो इन्होंने आते हम से 10-12 लोग थे, इन्होंने आते हम पे मार तोड़ करनी शुरू कर दी। हम अपने बड़े लड़के को हमने चौकी भेज दिया था, पुलिस चौकी, हमें गाली गलौज किया, अनाप शनाप बोला, तुम्हारे बाप का रास्ता ये है, यहाँ हमारी चलेगी तुम्हारी थोड़ी चलेगी, ये कहते हुए उन्होंने हमें मारा। इसी बीच में हम अपने आप को बचा ही रहे थे कि 40-50 लोग फिर आ गए दोबारे से, फिर उन्होंने हम पे खूब बजाया, हमारे खूब पसली हड्डी खूब टूटी हुई है। हमें फिर पुलिस आई ले जाके, हमें अस्पताल ले गई, हमें उन्होंने अस्पताल में डाल दिया और तब से हम अस्पताल से आए, जब से हमारा बहुत बुरा हाल है। मेरे बैक हिप्स में 3 जगह फ्रैक्चर हैं जो मुझे चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे लेफ्ट साइड के शोल्डर मेरा आउट हो गया, उसका शोल्डर टूट गया है, वो मेरे राइट साइड के हाथ में इन्होंने पता नहीं कोई धारदार हथियार था वो मारा है। मेरी बीवी के बहुत चोट है, मेरे बच्चों को जो छुट्टी
यशोदन, ये मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे है। सर मेरे बैक में मेरा गला घोट दिया था इन्होंने मेरा गला घोट दिया, मेरे हाथ में, मेरे बैक में भी, मतलब इन्होंने बहुत मारा, और सोल से पैर में भी सर, देखो मतलब लाठी डंडा इस तरह से, मतलब सर और परिवार में मेरे बेटे का चोट आई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा आशीष। आपको कहाँ चोट आई है? मेरे, मैं तो रेस्ट ही कर रहा था, मेरा पहले एक्सीडेंट हुआ था 11 तारीख। आपको भी लड़ाई में चोट आई? हाँ, मुझे भी मारा था, मेरा सिर फटा हुआ था, मेरा पैर में ही पट्टी आ गई। सर मैं तो सर रोड मारी थी। तो ये 31 तारीख की घटना जो आप बता रहे हैं, तो अभी जो आपका इलाज चल रहा है, इसमें पूरे मामले में जो आप बता रहे हैं कि जी पुलिस प्रशासन की क्या क्या रवैया है पुलिस प्रशासन का? कुछ नहीं है, पुलिस की अपनी इनकी साठगांठ है, पैसे वाला आदमी है, इन्होंने पैसे के बलबूते पे काफ़ी आदमी बाहर से बुला रखे थे जो हमें काफ़ी धमकियां दे रहे हैं। हमारे शादी है 22 तारीख के, उसमें भी ये माहौल ख़राब कर सकते हैं। अभी ये मेरे बड़े लड़के की शादी है, 22 की सगाई है, 24 की शादी है, उसमें भी हमें डर है कि हमें कुछ में माहौल ख़राब ना कर दें ये, और इनके पास काफ़ी मजबूत आदमी है। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? हमारे पास कुछ नहीं आई, ना हमारे बयान लेने आई, ना ही कोई मदद करी इन्होंने, ना ही कोई किसी को पुलिस ने उठाया है। बस हमें डरा धमका के इन लोगों ने कोरे कागजों पे साइन कराए हैं, और साइन कराने के बाद इन्होंने अपने जो है तरीके से उसमें क्या क्या लिखा हमें नहीं पता। इन्होंने इनके रिश्तेदार हैं काफ़ी, जो हमारे भी काफ़ी दबाव में रख रखा, इन्होंने हमें डरा धमका रखा, हमें दहशत है इस तरह की। हम इसलिए यहाँ से मकान बेचने की ठान रखी हमने, और यहाँ से हम मकान छोड़ने के चले। आप विनोद प्रधान और उनका जो ग्रुप, उनके जो लोग हैं, उनके 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 डर से अपना मकान बेच के जाओगे यहाँ से? बेचने की प्लानिंग है हमारी यहाँ से, और यही कारण है जो ये बसपा की आड़ में उनकी दादागिरी चल रही है, और बसपा के जो इनके अपने हैं उसकी आड़ में खूब इन्होंने अवैध रूप से अगुवाई कर रखी है, और इसी उम्मीद से इन्होंने हमें डरा धमका के इन्होंने हमसे साइन वाइन कराए हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, जिसमें हमने कोई समझौता कोई इन्होंने से कोई फैसला नहीं हुआ हमारा भी। बस ये है कि हाँ हमें इनसे बहुत डर है, हमारे बच्चों को ये अनाप शनाप किसी झूठे मुकदमों में फंसा सकते हैं, इन्हें धमकी दी जा रही है बच्चों को भी, और हमें एसओ का बड़ा दबाव है हम पे, और हमें एसओ साहब ने भी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार है। मेरा नाम बबीता रानी है। बबीता रानी, हाँ जी। आपका क्या नाम है? आशीष कुमार। आशीष कुमार, तो ये घटना 31 दिसंबर की है, और आज हम 18 जनवरी में इस पर चर्चा कर रहे हैं, यानी लगभग 19-20 दिन जो है इस घटना को हो चुके हैं, और ये पीड़ित परिवार है जिनके साथ मारपीट हुई है। शिव कुमार जी हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में 4 जगह वो बता रहे हैं फ्रैक्चर है, उनके शोल्डर में जो है वो फ्रैक्चर है, उनके हाथ में फ्रैक्चर है, उनकी मिसेज को कमर में चोट है, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, बेटा है उनको पैर में चोट है, उनके सर में रोड़ मारी गई। सवाल यहाँ ये निकल करके आता है कि दलित कम्युनिटी पर अक्सर ये बात कही जाती है कि और लोग जो है वो इस प्रकार से दबंग लोग जो है वो कहीं ना कहीं जाट समाज पे या अन्य किसी दूसरी दलित कम्युनिटी की जातियों पे अत्याचार शोषण अत्याचार करते हैं, लेकिन अपने ही लोग और अपने ही लोगों पर इस प्रकार से रास्ता मामूली सी बात पे रास्ता मांगने रास्ता छोड़ने के लिए अगर इतने गंभीर रूप उसका मतलब ले ले वो वाद विवाद, और एक ऐसा महत्वपूर्ण आदमी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति में बसपा की में एक बड़ा नाम जिनका है विनोद प्रधान का, वो इस प्रकार की उनके उनके ऊपर आरोप लगे, हालांकि हम कोशिश करेंगे उनसे बात की जाए, लेकिन अभी जो उन पर आरोप लगे हैं और जो ये बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है, तो बड़े गंभीर आरोप हैं। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है कि समाज जो है वो किधर जा रहा है, हमको सोचना चाहिए, क्या शोषण सिर्फ हमारा सवर्ण समाज ही करता है, या हमारे अपने लोग भी जो हमारे समाज में जो मजबूत और अच्छी स्थिति में हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं चाहे अन्य क्षेत्रों में, क्या वो हमारा शोषण नहीं करते। धन्यवाद।